दोस्तों आज तकरीबन 3 लाख से ऊपर हो गए हैं कोरोना के जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स हैं। हम लोग तकरीबन 12 मार्च से दौड़ रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं और कोरोना आगे बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड भी ख़त्म हो चुके हैं। तो ना इंग्लिश में एक सेइंग है, अटैक इज़ दी बेस्ट पॉलिसी टू डिफेंड योर सेल्फ। मुझे लगता है उस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अटैक करना है और अटैक करने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। हम लोग सैनिटाइजर्स, हम लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तो फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग हो। हमारी जो 80% इम्यूनिटी है ना, वो हमारे पेट से, हमारे गट में होती है। अगर आपका पेट ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना पेट बिल्कुल ठीक रखें। उसके लिए मॉर्निंग में उठकर आप कम से कम 1 से 2 लीटर ल्यूकवॉर्म वाटर पीजिए, खाली पेट बिना ब्रश किए। उसके साथ साथ दिन भर आप फाइबर्स खाइए। बहुत सारी चीज़ें हमें किचन से निकालनी भी होंगी कुछ दिनों के लिए, जैसे कि मैदा हो गया, चीनी होगी, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव फूड्स, इन सबको बाहर निकाल दीजिए। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फाइबर्स, दिन भर ये चीज़ें खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हम वो कर लेंगे तो हम लोग अटैक कर पाएंगे इस वायरस के ऊपर। हमारी किचन के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम की दवाई है। जिस वैक्सीन की हम वेट कर रहे हैं कि वेस्ट में शायद बनेगी, वो हमारे किचन में ऑलरेडी है। सिर्फ और सिर्फ उसे यूज़ करना है। इतना सिंपल है कि हम दिन में 2 बार अदरक का कहवा बना कर पीजिए। वो कैसे बनता है? आपने मैश किया अदरक को, कद्दूकस करना जिसे कहते हैं, ज़्यादा सारा अदरक कर लिया, 6 ग्लास पानी उसमें डाल के आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया और जब वो 3 या 4 ग्लास रह जाए उसको निकाल लिया, 2 लौंग डाल दिए, एक आदमी के लिए 2 लौंग। तो दिन में 2 बार सुबह और शाम इसको पीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। दूसरा काम आपने करना है लहसुन। लहसुन की 1 पीस बिल्कुल कच्चा आपने चबा लेना है या निगल लेना है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, पर इतना मुश्किल नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में जाके आइसोलेट कर दिया जाए और हम लोग लाइफ और डेथ की स्ट्रगल कर रहे हों। लहसुन खाना बहुत आसान है। लहसुन खाइए दिन में 1 बार सुबह के टाइम। तीसरा काम आपने करना है हल्दी वाला दूध पीजिए। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पीजिए। इन सब के करने से आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि मेरी तो ये इच्छा है कि गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे जैसे वो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट कर रही है, उसके साथ साथ अदरक, लहसुन और हल्दी को प्रमोट करे। जगह जगह पर हमें हल्दी, लहसुन और वो सब चीज़ें दिखें, जैसे लोग मास्क एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं या मास्क दुकानों पर बिक रहे हैं, हर जगह पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में सुबह सबसे पहले ये कहवा देना कंपलसरी होना चाहिए, दूध होना चाहिए हल्दी वाला, लहसुन होना चाहिए और साथ के साथ योगा और प्राणायाम होना चाहिए। जो चीज़ें ये सब बच्चे घर पे नहीं कर सकते, वो स्कूल में जाके कर सकते हैं। इससे एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सोसाइटी में पॉजिटिविटी आएगी। एक दूसरे को मिलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे। अरे कोई वायरस किसी तरह का टिक ही नहीं सकता। आदमी इस धरती का सबसे स्ट्रांग प्राणी है, सबसे स्ट्रांग। वो स्ट्रांग इसलिए है अपने ब्रेन के कारण, और वही ब्रेन उसको सबसे ज़्यादा वीक भी बना देता है। वीक ऐसे बना देता है नेगेटिव न्यूज़ सुनकर। सारा दिन चैनल्स पे नेगेटिव न्यूज़ आप सुनने देखते हैं, सुनते हैं, उनको बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप मैसेजेस में नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी, समझ नहीं आ रही, क्योंकि नेगेटिविटी लोगों को अच्छी लगती है इसलिए वो दिखाते रहते हैं। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। ये 3-4 चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दीजिए, आप देखिए कितनी जल्दी हमारी ये काउंट कम हो जाएगा। और अगर कोरोना आपको, किसी को, मेरे को हो भी गया तो पता भी नहीं चलेगा वो कैसे लड़के हार के भाग जाएगा। तो गुड लक, मेरी विशेज़ है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें, स्प्रेड करें लोगों में, ताकि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आ सके। थैंक यू।